तो मेरे पास एक सेट है हायर का, जो कि 21 इंच में, यहाँ पर देख सकते हो हायर कंपनी का एक टीवी है जो LCD है, LED नहीं। तो इसका जो फॉल्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो, पावर ऑन किया तो LED ब्लिंकिंग कर रहा है, जैसे कि ऑन हो रहा है कुछ साउंड कर रहा है, फिर से LED रेड आ रहा है, फिर से ऑन हो रहा है, फिर से साउंड आ रहा है, फिर से LED रेड हो रहा है। ठीक है, इसका जो फॉल्ट है हम यहाँ पर खोल के देख लेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसका जो मॉडल की बात करें तो इसे मैं पलटे करके आपको मैं मॉडल दिखा देता हूँ। ना ही ये ब्लिंकिंग में है, सिर्फ पावर LED ऑफ और ऑन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस फॉल्ट को बनने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप इसे हम रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर कोई भी मॉडल का नंबर है लेकिन इसके प्लेट के नीचे होगा। हमने जो इसे फटाफट से खोल लिया ताकि हमारा जो समय है पूरी तरह से बचे और आपको जल्द से जल्द आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर मैंने खोल लिया है, इस सेंसर को बाहर साइड में रख देंगे, पावर केबल को साइड में निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर फॉल्ट को चेक करेंगे। देख रहे हो यहाँ पर एक बोर्ड है और दूसरा पावर बोर्ड है, मतलब दो बोर्ड का कॉम्बो नहीं है, स्पेशल स्पेशल पावर है और स्पेशल कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम रिपेयर तो आपने आपको तो मैंने प्रॉब्लम तो दिखा दिया है, अब डायरेक्ट आप यहाँ पर कैमरा को फोकस कर लेते हैं और आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसके अंदर एक मॉड्यूलर लगा हुआ है जो कि 3.3 से लेकर 5 वोल्टेज तक जाता है, 2.9 तक, और एक ऑडियो मॉड्यूलर भी इसके अंदर लगा है, मतलब बहुत सारा इसके अंदर काम किया वाला है। इसका ऑडियो बोर्ड ऐसे भी ख़राब है और कुछ वोल्टेज भी इसके अंदर मिसिंग है। तो यहाँ पर मैंने पावर केबल को सीरीज में लगाया है, विदाउट स्टैंड बाय करते ही ये स्टैंड बाय हो चुका है। और TV आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है, ना ही बैक लाइट चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर साउंड का थोड़ा सा आवाज़ आता है और TV ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर सहायता लगेगी हमें मल्टीमीटर की, तो यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं 200 के रेंज पर रख देते हैं और ग्राउंड जो है मैंने लिया है इसके बॉडी से, और यहाँ पर वोल्टेज देख रहे हो 1.8 आना चाहिए लेकिन 5 तक आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद दूसरा वोल्टेज है 2.8 आना चाहिए तो यहाँ पर 2.5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3.3 आना चाहिए तो 2 वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज भी सही नज़र आ रही, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट भी ठीक है लेकिन TV स्टैंड बाय नहीं हो रहा है और इसका ना ही इसका बैक लाइट भी चल रहा है। तो आप यहाँ पर हम इसका फॉल्ट देखेंगे कि बैक लाइट क्यों नहीं चल रहा है और TV में डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर असेंबल मेटल मॉडल्स भी लगाए हुए हैं जो कि यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो वोल्टेज तो सही है, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर हम यहाँ पर फेस करेंगे। इसका जो पैनल का वोल्टेज है वह यहाँ से इस स्केलर पीस से डेटा केबल निकाल लेते हैं। ठीक है, डेटा केबल मैंने यहाँ से निकाल लिया है, आप इसे ऑन करके चेक करेंगे। इसके अंदर मैंने पावर इन कर दिया है, यहाँ पर इसका पावर इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर पावर इंडिकेटर दिख रहा है लेकिन तो TV तो ऑन हो चुका है लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका डेटा केबल निकालने के बाद TV ऑन हो चुका है, यहाँ पर इसका बैक लाइट भी लग चुका है। ठीक है, तो बैक लाइट भी यहाँ पर चल रहा है लेकिन स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कभी कभार बैक लाइट भी चल रहा है और कभी कभार नहीं भी चल रहा है। देख रहे हो यहाँ पर बैक लाइट इसका जो है ऑफ हो चुका है, तो चलता है लेकिन ज़्यादा देर तक बैक लाइट नहीं चल रहा है। तो स्केलर PC का तो बाद में देख लेंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर और भी वोल्टेज का मसला यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसे मैं फटाफट से खोल लेते हैं इस पावर SMPS को और चेक करेंगे यहाँ पर इसका क्या हाल है। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं इसके कलर पिन लगा के, ताकि अगर AV में रहेगा तो यहाँ पर साउंड यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पर साउंड आ रहा है लेकिन बैक लाइट नहीं है और डिस्प्ले भी नहीं है। तो आप यहाँ पर फटाफट से खोल लेंगे तो साउंड क्वालिटी ठीक है, फटाफट से खोल लेंगे पावर सप्लाई को। तो यहाँ पर मैंने इसका बोर्ड जो है निकाल लिया है, तो इसे हमें डायरेक्ट करना है ताकि इसका बैक लाइट ऑन कर सकूं और इसके अंदर मैं आपको प्रॉब्लम को फेस कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसे निकाल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर मेजरमेंट दिख रहा होगा, जैसे कि बी ऑन ऑफ STB 5 वोल्टेज ग्राउंड 12 वोल्ट और BL ऑन, यहाँ पर पूरे जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम दिया है, जैसे कि ये दोनों ग्राउंड है और ये ऑन है। तो इसे हमें डायरेक्ट करके यहाँ पर चेक करना है कि इसका बैकलाइट जो है पूरी तरह से चलता है, तो हमें बोर्ड की तरफ घूमना पड़ेगा क्योंकि बैकलाइट भी ऑन होकर ऑफ हो रहा है। तो इसके अंदर बोर्ड का भी प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इसके अंदर
इसके पावर सप्लाई SMPS का भी फॉल्ट है, तो इसे मैं यहाँ पर जंपर करने वाला हूँ, तो आपको ख्याल रखना है। देख सकते हो यहाँ पर ये ऑन ऑफ है, जो STD है ये सिर्फ पावर ऑन करता है, मतलब बोर्ड को वोल्टेज ऐड कर देता है, और बैकलाइट के लिए हमें यहाँ पर PL ऑन करना पड़ता है। तो इसकी जगह पर हमें 3 वोल्ट यहाँ पर इन होनी ही चाहिए या 5 वोल्ट, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे ताकि इसके अंदर 5 वोल्टेज जाए और इसका बैकलाइट जो है ऑन हो जाए। तो रही बात बोर्ड की, तो यहाँ पर हम इसे शॉर्ट करेंगे STD की और ये वोल्टेज को, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसके PL ऑन को यहाँ पर जो है शॉर्ट कर देता हूँ ताकि यह बैकलाइट आपको मैं समझा सकूँ। तो बोर्ड को मैंने यहाँ से पलटी कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्टर लिया है ब्राउन ब्लैक ब्राउन गोल्ड। तो यहाँ पर हम इसे स्टार्ट कर लेंगे ताकि यहाँ पर देख रहे हो ये A1 2 3 ये वाला जो है 5 वोल्टेज है, इसे मैं यहाँ पर शॉर्ट कर लूँगा। आप चाहे तो इसे थोड़ा ऊंचा भी ले सकते हो, 1 ओम्स का भी यहाँ पर रजिस्टर ले सकते हैं। तो A1 2 3 4 ये है BL ऑन का बटन, जो कि यहाँ पर वोल्टेज ऐड करने के बाद BL ऑन यहाँ पर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसका जो है जंपर कर दिया है BL ऑन का और 5 वोल्टेज का। तो रही बात यहाँ पर ऑन ऑफ की, तो इसे भी हम शॉर्टेज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कतिल की सहायता से यहाँ पर शॉर्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया है, जंपर कर दिया है, और यहाँ से BL ऑन का एक वायर की केबल की मदद से यहाँ पर जंपर कर दिया। ये मैंने जो जंपर कर दिया, इसके क्या होगा, इसे जंपर करने के बाद यहाँ पर हमें 12 वोल्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। इसे जंपर करने के बाद यहाँ पर BL ऑन का बैकलाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है, और इसे जंपर करने के बाद इसके अंदर 12 वोल्ट इन हो जाएंगे, ताकि हमें इसे रिपेयर करने के तरीकों को जानना होगा, ठीक है। तो इसका तो फिलहाल कम हो गया, अब हम यहाँ पर लगा के देखेंगे कि इसका बैकलाइट जो है ऑन हो रहा है या नहीं। तो बोर्ड को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है, बैकलाइट कनेक्शन को यहाँ से जोड़ दिया है। अब आती है इसको ऑन करने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे ऑन कर देंगे, इसका पावर, तो आपको ख्याल रखना कि ये LCD है, इस कारण से आपको डायरेक्ट में ही इसे यूज करना पड़ेगा, तो बैकलाइट ऑन होगा, नहीं तो सीरीज में यूज करेंगे तो ब्लिंकिंग होकर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट में इसे ऑन कर देता हूँ 220 वोल्ट में। तो 220 वोल्ट में इसको इन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो ब्लैक लाइट है वो ऑन तो हो चुके हैं, लेकिन देख रहे हो थोड़ा नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, ब्लिंकिंग हो रहा है। कैमरे को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कैमरे का टॉर्च बंद कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर बैक लाइट जो है ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब इसके SMPS में भी फॉल्ट नजर आ रहा है। तो पहले तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि रेगुलेशन में प्रॉब्लम कहाँ पर है। देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पर ब्लिंकिंग इसके अंदर हो रहा है। अब इसके वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ से इसके वोल्टेज कम आ रहा है। तो हमें अब यहाँ पर लगने वाली है मल्टीमीटर की जरूरत। तो इस जगह पर मल्टीमीटर हमने लगा दिया है और 200 के रेंज पे हम इसे रख देंगे। तो आपको देख रहा है कि यहाँ पर इसका जो कॉमन हिस्सा है ये वाला सर्किट पर, यहाँ पर मैंने इसे कॉमन पिक ब्लैक फ्रॉक लगाई है और इसके अंदर मैं वोल्टेज ऐड कर देता हूँ। अब हमें लगेगी सीरीज की जरूरत, तो मैंने सीरीज में इसे लगा दिया है पावर केबल को। अब यहाँ पर हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है। चाहे तो थोड़ा इसकी साइड में कर देता हूँ और ऐसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो वोल्टेज था वो है 5 वोल्टेज, ठीक है, 5 वोल्टेज आ रहा है। फिर इसका सेकंड वोल्टेज भी 5 वोल्टेज है और थर्ड भी इसका 5 वोल्टेज है। आप यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो सकते हैं, ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड और ये है इसका 12 वोल्ट। आप देख रहे हो यहाँ पर 12 वोल्ट पे कितना आ रहा है, 9 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और ये है इसका, ये भी 12 वोल्ट है, इस पर भी 9 ही वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर 5 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब बैकलाइट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सीरीज में से निकाल लिया है और यहाँ पर चेक करेंगे, देख रहे हो इसके अंदर भी 5 वोल्टेज है, यहाँ पर भी 5 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब 12 वोल्ट की जगह पर भी इसका 5 वोल्टेज ही नजर आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमें यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। देखिए अब भी ये ऑफ हो चुका है, फिर से हम लगाएंगे, तो ग्राउंड 5 वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है, लेकिन 10.9 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये दोनों सॉकेट 9 12 12 वोल्ट के है और 9 वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये बाईपास किया वाला, तो यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर हमें 9 वोल्ट कैपेसिटर, ये जो है 1 2 ये तीनों जो है कैपेसिटर वाले हैं, तो इसे हमें चेक करना है। देख रहे हो यहाँ पर भी हमें 9 वोल्टेज मिल रहा है, तो इस जगह पर भी हमें 9 वोल्टेज मिल रहा है, तो ये है हमारा 5 वोल्टेज, ठीक है, 5 वोल्टेज तो ठीक है, लेकिन 9 वोल्टेज में रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंडेंसर है, तो कंडेंसर डिफॉल्ट या शॉर्ट है। तो पहले तो इसका करंट यहाँ से निकाल लेते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कंडेंसर की हालत है। देख रहे हो कंडेंसर पूरी तरह से ओके दिखा रहा है। तो ये एक है अपना 12 वोल्ट का और ये एक है 12 वोल्ट का, ये दो कंडेंसर है 12 वोल्ट के। और माइक्रोफैराड की बात करें तो यहाँ पर इसे मैं निकालने वाला नहीं हूँ, तो 1000 माइक्रोफैराड है 25 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, दोनों के किसी भी जगह पर आप यहाँ पर एक दूसरा कंडेंसर यहाँ पर लगा सकते हो या दोनों ही चेंज कर सकते हो आपके पास हो तो। तो मेरे पास तो सिर्फ यहाँ पर ये है, कितना है 25-33 माइक्रोफैराड। इसे हम यहाँ पर लगाएंगे, पहले तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा नीचे वाले कंडेंसर को, लेकिन आपको माइक्रोफैराड पूरा मैं यहाँ पर दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे निकल नहीं पा रहा है ज़्यादा फिट बनने की वजह से,
देख पा रहे ठीक है, ये आप देख रहे हो 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड। तो इसकी जगह पर मैं थोड़ा बड़ा कंडेंसर यहाँ पर लगाने वाला हूँ, जो कि आपको मैंने बता दिया है, जैसे निकाला था उसी प्रकार से आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि कम से कम आपका कंडेंसर 1000 माइक्रोफैरड के आगे ही होना चाहिए, उससे नीचे होता है तो वोल्टेज में फिर से दिक्कत आएगी और वोल्टेज जो है पूरी तरह से उसी प्रकार से काम नहीं करेगा। ठीक है, बारी दी इसको शोल्ड करने की, देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर दिया है। आप बारी दी इसकी ब्लिंकिंग होता है या बैकलाइट ऑन हो चुकी है या नहीं, देख सकते हो यहाँ पर इसका जो बैकलाइट है पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा चिपका देता हूँ और इस वायर को मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है पूरी तरह से इसका बैकलाइट जो है ऑन हो चुका है। तो मैं डिस्प्ले के थोड़ा उठा को मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट कलर पूरी तरह से आ चुका है। तो आप बारी दी इसको टेस्ट करेंगे कि ये पूरी तरह से वर्क करता है या नहीं। अब इसको वोल्टेज को मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो वोल्टेज जो पहले 9 वोल्ट आ रहा था अब यहाँ पर बढ़ चुका है या उसी सिचुएशन में दिखा रहा है, लेकिन बैकलाइट जो है ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी से इस मीटर को हम हटाएंगे 200 की रेंज पर, इसका माइनस जो ग्राउंड है वो लेंगे और यहाँ पर हम इसका 12 वोल्ट यहाँ पर टेक करेंगे। देख पा रहे हो यहाँ पर 12 वोल्ट अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन 10 वोल्ट में यहाँ पर ये जो है बैकलाइट ऑन हो चुकी है 10.9 वोल्ट। तो मुझे लगता है इसका ये जो कंडेंसर चेंज किया था और इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ये 12 वोल्ट यहाँ पर आएगा। तो मैं इसकी जगह पर दूसरा कंडेंसर यहाँ पर लगा देता हूँ और 12 वोल्ट आने के बाद ही इसे ऑन करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर दोनों ही कंडेंसर को चेंज किया है, अब बारी इसको टेस्ट करने की अपना वर्किंग उसी प्रकार से कर रहा है या नहीं। तो मैंने इसे डायरेक्ट प्लग में इसे लगवा दिया है, तो देख रहे हो यहाँ पर इसका जो इंडिकेटर है अभी ऑन हो चुका है, अब ऑफ हो चुका है। और यहाँ पर बैकलाइट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप भी बैकलाइट यहाँ से ऑन हो चुके हैं, अब बैकलाइट ऑन है, लेकिन डिस्प्ले का पोर्टेबल मैंने यहाँ से निकाल लिया है। तो ये जो पावर सप्लाई का फॉल्ट था ये इस जगह से निकल चुका है। तो बाकी की जानकारी दूसरे वीडियो में मिलेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।